हेलो स्टूडेंट, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर JL शर्मा, आज ज्योग्राफी का है वह पांचवा लेसन लेकर के आए हैं आपके लिए, और उसका पार्ट फर्स्ट है वह है पढ़ा रहे जनसंख्या प्रवास। जनसंख्या प्रवास ये टॉपिक आपका है वह लेकर के आए हैं। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका है वह पाँचवा लेसन है जनसंख्या प्रवास। प्रवास का मतलब होता है मानव के निवास स्थान में परिवर्तन। प्रवास का सामान्य सा अर्थ होता है मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वह गतिशील करता है या दूसरे स्थान पर जाकर के रहने लगता है, उसको है वह प्रवास के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर है वह प्रवास का मूल स्वरूप होता है मानव के मूल निवास स्थान में परिवर्तन, इसको प्रवास कहते हैं। मानव के मूल निवास स्थान में परिवर्तन परिवर्तन होना, यानी कि किसी कारण से मान लीजिए कै स्थान का कोई आदमी है वह जाकर के खै स्थान पर रहने लग जाता है तो यह है वह प्रवासी हो जाता है। प्रवासी हो जाता है, वह खै स्थान पर जाकर के रहने लग गया, इस कारण से वह वहाँ का प्रवासी हो गया। मूल निवास स्थान, उसने अपना निवास स्थान परिवर्तन कर लिया, इस कारण से उसको है वह प्रवासी के नाम से, प्रवास के नाम से है वह जाना जाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके साथ साथ में एक गतिशीलता का गुण पाया जाता है, जिसमें प्राचीन काल से मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वह गति करते थे। प्रागैतिहासिक काल में बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें मानव है वह किसी कारण से एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर है वह चले गए। जैसे जंगल में आग लग गई तो जंगल को छोड़ करके मैदानी भागों की तरफ है वह चले गए। मैदानों के अंदर बाढ़ आ गई तो मैदानों को छोड़कर पहाड़ी भागों के अंदर चले गए। इस तरह के है वह प्रवास के उदाहरण बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं। मध्यकाल के अंदर राजा महाराजाओं के द्वारा आपस में है वह लड़ाई झगड़े होते थे तो युद्ध होते थे, युद्ध और आक्रमण के कारण भी बड़ी संख्या में प्रवास करते थे। सिकंदर था वह यूरोप से है वह आक्रमण करता हुआ है वह भारत तक पहुंच गया, यूरोप महाद्वीप से आक्रमण करते करते, और वह है वह देशों को जीतते जीतते विश्व विजेता का स्वप्न लेकर के और भारत तक है वह पहुंच गया था। ये प्रवास के ही है वह उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कई रूपों के अंदर है वह प्रवास होता है। मुख्यतः प्रवास दो प्रकार का होता है, प्रवास के दो प्रकार होते हैं। एक होता है वह उत्प्रवास, उत्प्रवास, और दूसरा होता है वह आप्रवास, आप्रवास। इसी चित्र के द्वारा हम देखते हैं, मान लीजिए कै स्थान का कोई आदमी है वह खै स्थान पर जाकर के रहने लग जाता है तो कै स्थान पर यह उत्प्रवास कहलाता है, अर्थात लोगों के द्वारा स्थान को छोड़ना यह उत्प्रवास कहलाता है। या फिर किसी स्थान पर दूसरे स्थान से आकर आदमी के द्वारा रहना यह आप्रवास कहलाता है। यह आप्रवास की कंडीशन, यह उत्प्रवास की कंडीशन, ये दो प्रकार का है वह प्रवास पाया जाता है। उत्प्रवास कहने का अर्थ यहाँ का है, राजस्थान का कोई आदमी जयपुर से है वह लंदन जाकर के रहने लग जाता है, ब्रिटेन में जाकर के रहने लग जाता है तो यह उत्प्रवास का उदाहरण है। और यदि ब्रिटेन का कोई नागरिक है वह जयपुर में आकर के रहने लग जाता है, यह है वह आप्रवास का उदाहरण है। आप्रवास में जनसंख्या बढ़ती है, उत्प्रवास में जनसंख्या है वह घटती है। इसी को रूप में दूसरा रूप है इसका, इसको बोलते हैं उद्गम स्थल। प्रवास का उद्गम होता है, इस कारण से इसको उद्गम स्थल कहते हैं, उद्गम स्थल कहा जाता है। और जिस स्थान पर आदमी जाता है उसको गंतव्य स्थल के नाम से जाना जाता है, गंतव्य स्थल कहते हैं, गंतव्य स्थल कहा जाता है इसको। दूसरे रूप में कई जगह है वह इसका नाम प्रवसन भी कहा जाता है, प्रवसन मतलब उस जगह को छोड़ना, प्रवसन। और इसको है वह आव्रजन भी कहते हैं, आव्रजन भी कहते हैं। इसलिए है वह शब्दों में कन्फ्यूज मत होना, रूप यही है कि यह उत्प्रवास का रूप है और यह है वह आप्रवास का, आकर के रहने का है वह रूप है।
तो इस तरह से है, वह उत्प्रवास और आप्रवास के रूप है वह पाए जाते हैं। प्रवास के कारण होते हैं, कुछ पक्ष रूप में है वह अध्ययन किया जाता है। प्रवास का अध्ययन करने के लिए उसके कुछ पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, पक्ष, और ये पक्ष अलग अलग रूप में काम में लिए जाते हैं। जैसे एक होता है देश पक्ष, देश पक्ष, यानी पक्ष का मतलब प्रवास देशों के अनुसार उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। जैसे एक महाद्वीप का आदमी दूसरे महाद्वीप में चला जाए, एशिया का महाद्वीप का आदमी है वह यूरोप महाद्वीप में चला जाए या अफ्रीका महाद्वीप में जाकर के बस जाए, तो यह महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। ऐसे ही एक देश का नागरिक दूसरे देश में चला जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं। एक देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाला यह है वह अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। और एक प्रदेश में से दूसरे प्रदेश में जाकर के रहने वाला, जैसे मान लीजिए राजस्थान के थार के रेगिस्तान का कोई आदमी असम के भागों में, पहाड़ी भागों में जाकर के रहने लग जाए, तो ये प्रदेशीय, अंतर प्रदेशीय है वह प्रवास कहलाता है। ऐसे इनके अलग अलग रूप हो सकते हैं, यह देश के आधार पर है वह इसका विचार किया जाता है। ऐसे ही विचार किया जाता है स्थान पक्ष, स्थान पक्ष, स्थान का मतलब होता है स्थानीय प्रवास, गांव से गांव की ओर, एक गांव से दूसरे गांव के अंदर स्थानीय प्रवास, एक गांव से पड़ोसी कस्बे के अंदर हो सकता है या कस्बे से गांव की ओर हो सकता है। ऐसे है वह स्थानीय प्रवास के ऊपर है वह ध्यान दिया जाता है। एक स्थानीय प्रवास होता है और एक है वह बाह्य प्रवास होता है, जिसके अंदर है वह दूर तक है वह प्रवास करता है, एक लोकेलिटी में प्रवास करता है और एक दूसरी जगह तक है वह प्रवास करता है। ऐसे स्थान को है वह ध्यान में रखा जाता है। ऐसे ही कारण पक्ष होता है, कारण पक्ष, कारण पक्ष का मतलब होता है कि वो प्रवास क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। इस प्रवास के अंदर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक होता है वह बलात् प्रवास, बलात् प्रवास का मतलब होता है जबरन है वह प्रवास करवाना। पुराने राजा महाराजा थे तो उनके है वह आक्रमण के कारण काफ़ी सारे लोग जगह छोड़ करके है वह चले जाते थे। ऐसा कहते हैं जब मुगलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो भारत के जो राजा लोग थे वह अपने दास दासियों को लेकर हिमालय के जंगलों के अंदर है वह चले गए थे, हिमालय के पहाड़ी के भागों के अंदर, जंगली भागों के अंदर रहने के लिए चले गए थे। वह वहाँ पर जाकर के और गोंड जनजाति के रूप में है वह डेवलपमेंट हो गए। तो ऐसे है वह कई रूपों के अंदर प्रवास है वह हुआ है, तो ऐसे प्रवास के रूप है वह बलात् प्रवास कहलाते हैं। ये है वह वहाँ जनजातियों के रूप में संथाल हैं, गोंड हैं, या फिर है वह दूसरे रूप हैं तो उन जनजातियों के रूप में परिवर्तित हो गई, तो यह बलात् प्रवास कहलाता है, जबरन किया गया प्रवास कहलाता है। ऐसे ही है वह कुछ है वह स्वयं के कारण, महामारियों बीमारियों इनके कारण से है वह प्रवास हो जाता है, तो है वह कुछ भागों के अंदर स्वैच्छिक प्रवास होता है, स्वैच्छिक प्रवास, अपनी इच्छा से प्रवास, स्वैच्छिक प्रवास। स्वैच्छिक प्रवास का मतलब होता है कि आदमी अपनी इच्छा से प्रवास कर जाए। जैसे आदमी ज़्यादातर वर्ल्ड के अंदर प्रवास होते हैं वह रोजगार के कारण प्रवास हुए हैं, एक आदमी है वह दूसरे स्थान पर है वह रोजगार करने के कारण है वह प्रवास करता है, तो इन कारणों से है वह कहीं दूसरी जगह अगर अच्छा रोजगार मिल रहा है तो वह आदमी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर अपनी इच्छा से, न किसी के दबाव से है वह प्रवास करता है, अपनी इच्छा से है वह प्रवास कर जाता है। ऐसे ही है वह इसी में शामिल हैं स्वैच्छिक, स्वाभाविक प्रलाभ, एक स्वाभाविक होता है स्वाभाविक प्रवास, स्वाभाविक, इसको नैसर्गिक प्रवास भी कहते हैं, नैसर्गिक प्रवास भी कहा जाता है, नैसर्गिक प्रवास। ये पुराने ज़माने में काफ़ी स्तर पर होता था। ऐसा कहते हैं कि पुराने समय में हिमालय पर्वतीय भागों में मानव का उद्गम हुआ और यहाँ से है वह चारों दिशाओं के अंदर आदमी है वह उसका फैलाव हुआ,
यहाँ की जलवायु शुष्क होती गई तो लंबी करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मध्य एशिया से यूरोप चले गए, यहाँ पर साइबेरिया के मैदान में बस गए, चीन में बस गए, भारत में आकर के बस गए, ऐसे चारों तरफ है, वह चारों दिशाओं के अंदर मानव का फैलाव हुआ, यह नैसर्गिक है वह फैलाव कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आदमी की स्वभाव होता है, स्वभाव होता है जिसके अंदर वो आदमी दूसरे स्थान पर है वह जा करके है वह बस जाता है, वहाँ पर है वह रहने लग जाता है, निवास स्थान करने लगता है, तो ऐसे है वह नैसर्गिक प्रवास के रूप में भी है वह जाना जाता है। तो ऐसे कारण पक्ष होता है, ऐसे ही है वह एक रूप दिया जाता है संख्या पक्ष, कितनी संख्या में प्रवास हो रहा है, कितनी संख्या में प्रवास हो रहा है, कितनी संख्या का मतलब होता है एक तो बड़ी संख्या में प्रवास हो रहा है, एक अल्पकालिक संख्या के अंदर है वह प्रवास हो रहा है, एक अल्प रूप में प्रवास हो रहा है, एक बड़ी संख्या में प्रवास हो रहा है, अगर थोड़ा थोड़ा प्रवास हो रहा है तो वो अल्प रूप हो गया, और अगर मान लो बड़ी संख्या में प्रवास होता है तो यह बड़ा रूप दीर्घ स्वरूप है वह हो गया। तो ऐसे है वह प्रवास का स्वरूप देखा जाता है जिसमें लाखों करोड़ों प्रवास होते हैं, यूरोप से करोड़ों लोग अमेरिका में जाकर के बस गई, यह बड़ी संख्या में प्रवास हुआ, और अल्प रूप में ग्रामीण भागों से धीरे धीरे जनसंख्या है वह नगरीय भागों में रोजगार करने के लिए चली जाती है, तो यह अल्प है वह प्रवास कहलाता है। ऐसे स्वरूप के अनुसार अलग अलग रूप होता है। समय पक्ष होता है, समय पक्ष, समय पक्ष का मतलब होता है टाइम स्केल किस तरह का है, जैसे एक आदमी है वह कहीं जाकर दूसरी जगह हमेशा के लिए है वह बस गया, इसको है वह दीर्घकालीन प्रवास कहते हैं, दीर्घकालीन प्रवास, दीर्घकालीन लंबे समय तक प्रवास, इसका भी रूप हो गया स्थायी प्रवास, स्थायी रूप से दूसरी जगह जाकर के है वह बस गया, वह दीर्घकालीन प्रवास। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ समय तक जब तक उनको काम रहता है वहाँ तक है वह लोग जाते हैं, और उसके बाद में है वह उस जगह को छोड़ करके वापस है वह आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, महीने दो महीने या छः महीने के लिए प्रवास करते हैं, तो यह है वह अल्पकालिक प्रवास कहलाता है, अल्पकालिक प्रवास कहलाता है। कुछ है वह दैनिक प्रवास भी करते हैं, दैनिक प्रवास, दैनिक प्रवास का मतलब आप देखते हैं एक कस्बे के चारों ओर, जैसे मान लो एक कस्बा है इसके चारों ओर ग्रामीण जनसंख्या है, ये ग्रामीण लोग हैं वह सुबह के समय कस्बे में रोजगार के लिए जाते हैं और शाम के लिए कस्बे में से वापस आ जाते हैं। लंदन है, मुंबई है, ऐसे महानगर हैं जिनमें लाखों की संख्या ट्रेनों से भर करके है वह दिन में काम करने के लिए आते हैं और शाम को वापस अपने घरों तक की ओर चले जाते हैं, तो यह है वह दैनिक प्रवास कहलाता है। तो ऐसे प्रवास का स्वरूप है वह दीर्घकालिक भी पाया जाता है, अल्पकालिक भी पाया जाता है, और दैनिक प्रवास भी होता है, एक सामयिक प्रवास होता है, सामयिक प्रवास, समय के अकॉर्डिंग प्रवास, और समय के अकॉर्डिंग प्रवास होता है वह पहाड़ी भागों में होता है, जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं मध्य एशिया में, ये हिमालय पर्वतीय एरिया हैं, हिमालय पर्वतीय भागों में क्या क्या होता है कि सर्दी के दिनों के अंदर है वह चोटियों के ऊपर बर्फ गिरती है, तो यहाँ पशुचारण करने वाले लोग शीतकाल में अपने जानवरों को लेकर घाटियों में आ जाते हैं, जैसे ही है वह गर्मी होती है यह बर्फ पिघलती है जिसके कारण पानी बनता है, और पानी बनने के कारण घास उग जाती है, ये अपने जानवरों को लेकर ऊपरी ढालों के ऊपर चराने के लिए ले जाते हैं, तो ये प्रवास होता है, ये सामयिक प्रवास होता है, ऋतु के अकॉर्डिंग प्रवास होता है। आप लोग देखते होंगे अपने थार के रेगिस्तान के अंदर काफ़ी सारे मारवाड़ी लोग यह भेड़ बकरियां रेवड़ चराते हुए है वह जैसलमेर नागौर इधर से चराते चराते यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और फिर है वह तो यहाँ सीकर से है वह वापस, जैसे ही बारिश होती है, बारिश होती है गर्मियों के अंदर चराते चराते यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है वो अपने जानवरों को लेकर वापस अपने घरों की ओर निकल जाते हैं,
ये सामयिक प्रवास कहलाता है, समय के अकॉर्डिंग है वह प्रवास कहते हैं। इसको मौसमी प्रवास भी कहते हैं क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग होता है, इस कारण से इसको मौसमी प्रवास के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे प्रवास के स्वरूप है वह कई पाए जाते हैं। तो इस तरह से है वह प्रवास के है वह पक्ष हैं, वह देश पक्ष, स्थान पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष, समय पक्ष, इनके ऊपर है वह ध्यान दिया जाता है। एक देखा जाता है स्थिरता पक्ष, स्थिरता पक्ष। स्थिरता का मतलब जिस आदमी ने दूसरी जगह गया तो वह वहाँ स्थायी रूप से जाकर के बस गया, या फिर है वह अस्थायी रूप से जाकर के बसा है। अस्थायी प्रवास के अंदर जैसे मरुस्थल के अंदर थार के रेगिस्तान में रहने वाले गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, मारवाड़ी लोग हैं, ये भेड़ बकरियाँ चराते हैं, तो ये अस्थायी प्रवास करते हैं। कभी जब चारा पानी मिलता रहता है तब तक तो वहाँ रहते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे ही जंगलों के अंदर रहने वाले जनजातियों के लोग, ये लोग अपने शिकार मिलता है तब तो वहाँ रहते हैं और वरना है वह उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ये है वह अस्थिर प्रवास होता है, अस्थिर प्रवास, अस्थिर या अस्थायी प्रवास कहते हैं इसको, या फिर अस्थायी प्रवास कहते हैं। और अगर आदमी दूसरी जगह जा कर के बस गया, वो हमेशा के लिए स्थायी हो गया, तो वह उसको है वह स्थायी प्रवास के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्रवास के रूप पाए जाते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक जिसके अंदर है वह प्रवास का प्रतिरूप, किसमें वर्ल्ड लेवल में प्रवास का प्रतिरूप, पूरे संसार भर के अंदर प्रवास का प्रतिरूप कैसा रहा है, प्रवास की दिशाएं क्या रही है। उन दिशाओं को देखें तो इस प्रवास को, विश्व स्तर के प्रवास को हम दो भागों में विभाजन करेंगे। फर्स्ट भाग शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास, और दूसरा हम लेंगे उष्ण कटिबंधीय प्रवास। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब ये है कि ये शीतोष्ण प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग, और इसमें मुख्य जो प्रवास किया वह यूरोपीय कंट्रीज ने प्रवास किया। यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर है वह ब्रिटेन है, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है, यहाँ स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर हंगरी है, यहाँ पर पुर्तगाल है, स्पेन है, यहाँ पर इटली है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। तो ऐसे है वह कई सारे है वह छोटे छोटे देश पाए जाते हैं, ये सारे विकसित देश हैं। इन विकसित देशों ने 17वीं-18वीं शताब्दी के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर प्रवास किया। यहाँ से है वह मध्य यूरोप से है वह सभी महाद्वीपों के अंदर प्रवास किया। इन्होंने है वह समुद्री क्षेत्रों से रास्तों की खोज की और प्रत्येक महाद्वीप में जा जा करके रहने लगे। जैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रवास किया इन्होंने, फिर है वह यहाँ से मध्य अमेरिका में प्रवास किया, यहाँ से दक्षिण अमेरिका में पहुँचे, दक्षिणी अमेरिका से यहाँ पर वास्को डी गामा था, इसके चारों ओर चक्कर लगा करके एशिया महाद्वीप के रूप में पहुँचा। इसी भाग के अंदर से है वह लोग जा कर के ऑस्ट्रेलिया में जा कर के बस गए। तो ये जो बसा हुआ यह करोड़ों की संख्या में प्रवास हुआ, जिसके अंदर है वह लगभग सभी भागों के अंदर लोग जा जा करके रहने लगे। इनको भी है वह हम दो भागों में विभाजन कर सकते हैं। फर्स्ट भाग शीतोष्ण घास प्रदेश, एक तो घास प्रदेश, और इसके अलावा है वह दूसरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंध से दो भागों के अंदर प्रवास हुआ, घास प्रदेश। घास प्रदेशों की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध में यहाँ उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज घास के मैदान हैं। इन प्रेरीज घास के मैदानों के अंदर से यहाँ पर यूरोपीय कंट्रीज के लोगों ने है वह जाकर के बसाव करना शुरू कर दिया। पहले तो कनाडा और अमेरिका के इस तट पर बसाव हुआ, और फिर है वह उसके बाद में यहाँ से धीरे धीरे ये लोग है वह जैसे जैसे परिवहन के साधन बढ़े वैसे वैसे परिवहन प्रेरीज घास के मैदान की ओर अग्रसर हो गए। प्रेरीज घास के मैदानों में उपजाऊ मिट्टी थी,
परिणामतः है वह बड़ी मात्रा में आधुनिक मॉडर्न कृषि करने लगे और अपने देश में है वह वापस निर्यात करने लग गए। तो ऐसे यहाँ पर है वह इनका काफ़ी विकास हुआ। ऐसे ही है वह घास प्रदेश दूसरे भागों में पाए जाते हैं, जैसे अर्जेंटीना में पंपाज घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स घास के मैदान हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान हैं। तो इन घास के मैदानों में इन जनसंख्या ने यूरोपीय लोगों ने जा जा करके अपने प्रभाव स्थापित किए और आधुनिक मॉडर्न कृषि करने लग गए। दूसरा जो प्रवास इन्होंने किया उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यूरोप के लोग है वह मध्य अमेरिका में गए, यहाँ पर वेस्ट इंडीज है, पनामा है, इसके अलावा मैक्सिको है, होंडुरास, इस तरह के छोटे छोटे देश हैं, वो हैती है, होंडुरास है, ऐसे छोटे छोटे कई देश है वह पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर घाना, घाना प्रदेश है, श्रीलंका के अंदर जाकर के बस गए, भारत के अंदर आकर के बस गए, इस तरह मलेशिया, यहाँ पर है वह म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पर इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन भागों के अंदर काफ़ी सारे लोगों का है वह प्रवास हुआ। ये उष्णकटिबंध कहलाता था। उष्णकटिबंध के अंदर वर्षा भी ज़्यादा होती है और साथ के अंदर है वह गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। परिणामतः यहाँ बागाती कृषि डेवलपमेंट की इन्होंने, बागाती कृषि, बड़े बड़े बागान लगाए, जैसे असम के अंदर चाय के बागान लगाए, श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, ऐसे ही घाना में कॉफ़ी के बागान लगाए, ऐसे ही मध्य अमेरिका में केले के बागान लगाए, ऐसे ही यहाँ पर मलेशिया के अंदर रबर के बागान लगाए, इंडोनेशिया में चावल और गन्ना के बागान लगाए, तो फिलीपींस में नारियल के बागान लगा दिए। ऐसे बड़े बड़े बागानों के अंदर ये लोग है वह मॉडर्न कृषि है वह करने थे। इन भागों में उष्णकटिबंधीय भागों में जनसंख्या अधिक थी, लेकिन निरक्षर होने के कारण ज़्यादातर अकुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते थे और अकुशल श्रमिकों को इन बागाती कृषि के भागों में बड़ी संख्या में प्रवास करवाया। बहुत सारे है वह इसमें यूरोपीय कंट्रीज़ का है वह मानवीय रूप भी सामने आया, जिसके अंदर है वह कई रूपों के अंदर, जिसको कहते हैं मानसिकता का हनन है वह किया गया। एशिया और अफ्रीका के अंदर घनी जनसंख्या होने के कारण इन्होंने है वह यहाँ से ब्लात प्रवास करवाया। ब्लात प्रवास का भी सारे श्रमिकों को जबरन ये लोग है वह दास बना करके और बागाती कृषि के भागों में काम करने के लिए ले जाते थे। उन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं देते थे, उन्हें है वह केवल थोड़ा बहुत भोजन दे देते थे और दास की तरह से है वह काम करवाते थे। ये मानवीयता का निकृष्ट रूप है वह यूरोपीय लोगों के द्वारा देखने को मिलता है, जो है वह बड़ी संख्या में दासों का है वह व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, वो है वह एक व्यापारी के द्वारा दूसरे व्यापारी को ये दास बेचे जाते थे। लेकिन है वह समय के साथ में है वह जैसे जैसे ये स्वतंत्र हुए वैसे वैसे इस प्रथा का है वह अंत किया गया। तो ऐसा स्वरूप भी है वह देखने को आया। तो यह उष्णकटिबंधीय देशों के अंदर ये देखने को आया। दूसरा जो प्रवास का रूप है वह देखने को मिलता है वह एशियाई देशों से प्रवास। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सर्वाधिक जनसंख्या इस महाद्वीप की है, तो स्वाभाविक है कि एक प्रवास का एक बड़ा स्थान रहा होगा। वर्तमान वैज्ञानिकों के अनुसार यह पता लगाया गया है कि इस धरती के ऊपर मानव की उत्पत्ति सबसे पहले मध्य एशिया में ही हुई। ग्रिफिथ टेलर था विद्वान, उसने भी यही बताया कि मध्य एशिया के अंदर जो हिमालय पर्वतीय एरिया है इन भागों के अंदर मानव की उत्पत्ति हुई थी। यह भाग पुराने जमाने के अंदर एक महासागरीय पार्ट था, जो आज हिमालय के पहाड़ है वह खड़े हुए दिखाई देते हैं, यह महासागरीय पार्टीशन था। तो इस महासागरीय तटों के ऊपर मानव की प्राचीनतम लाखों वर्षों पुरानी खोपड़ियां हैं वह प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब यह उद्गम स्थल है वह रहा है। अब ये एरिया भूगर्भिक हलचलों के कारण ये एरिया ऊपर उठता चला गया और आज हिमालय पहाड़ है वह बन गया।
जब हिमालय पहाड़ ऊपर उठता गया तब यहाँ पर है वह बारिश होना बंद हो गई, और बारिश की कमी होने के कारण अकाल पड़ने लग गया, और अकाल पड़ने के कारण यहाँ से बड़ी संख्या में प्रवास होने लगा। यह है वह सभी दिशाओं में प्रवास हुआ, लाखों लोग यहाँ से हट करके साइबेरिया रूस के अंदर है वह चले गए, रूस के भागों के अंदर बसा हुआ, और रूस से इधर से होकर के अलास्का से होकर के और अमेरिका के अंदर है वह ये लोग पहुँचे, फिर अमेरिका से इन पहाड़ी भागों से होते हुए ये लोग दक्षिणी अमेरिका के अंदर भी पहुँचे। ऐसे ही है वह कुछ लोग यूरोपीय भागों में पहुँचे, कुछ इन मरुस्थलों को पार करते हुए अफ्रीका में प्रवेश किया और अफ्रीका के अंदर है वह जाते गए। पीछे है वह मध्य एशिया में नई प्रजाति उत्पन्न होती गई और पुरानी प्रजाति को हटाती गई, जिसके कारण ये प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने लग गई। ऐसे ही कुछ लोग सिंधु घाटी के अंदर फैल बढ़े, फिर सिंधु घाटी में से लोग है वह कुछ लोग गंगा नदी के मैदान में आकर के बस गए और दक्षिण भारत के अंदर प्रवास किया। कुछ लोग चीन के अंदर जाकर के वो रह गए, यहाँ पर चीन के भागों के अंदर प्रवास किया। ऐसे प्रागैतिहासिक काल में एशिया में प्रागैतिहासिक काल के अंदर बहुत बड़ा प्रवास के उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल जब मानव का पत्थर का यूज करता था, पुराने समय के अंदर आज से 10,000 साल पहले यहाँ पर है वह बड़ी संख्या में प्रवास हुआ था। उसके बाद में राजा महाराजाओं का कार्य दिवस आया, जिसके अंदर राजा महाराजाओं ने है वे यहाँ पर सेना एक दूसरे से है वे छीनने के लिए दास बना करके लेकर के आ जाते थे। जैसे जो राजा जीत जाता था तो दूसरे जो हार जाता था राजा उससे है ये लोग है वह सैनिकों को दास बना करके, दास और उनकी परिवार को है वह दासियों के रूप में है वह घर पर है वह ले आते थे। तो ऐसे है वह प्रवास किया करवाया जाता था। फिर मध्यकाल के अंदर ही कुछ है वह ईसा के आसपास से है वह धार्मिक विचारों का उद्भव हुआ। तो अशोक महान था, अशोक महान सम्राट अशोक का नाम आप लोगों ने सुना है। सम्राट अशोक ने है वह आसपास के देशों के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने है वह उपनिदेशक है वह भेजे, जो धर्म का प्रचारक लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे। ये बौद्ध धर्म के का प्रचार करते थे, ये है वह श्रीलंका है या फिर बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इन भागों के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बड़ी संख्या के अंदर लोग है वह गए। विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए इन लोगों का है वह काफ़ी संख्या में प्रवास करवाया गया। मिलता है मध्यकाल में, और बात आती है आधुनिक काल में। आधुनिक काल के अंदर जो प्रवास हुआ वह ज़्यादातर स्वैच्छिक प्रवास हुआ। स्वैच्छिक प्रवास इसलिए हुआ क्योंकि ये देश स्वतंत्र होने लग गए, और स्वतंत्र होने के साथ साथ में यहाँ पर है वह जब गरीबी फैलने लग गई तो ये लोग कार्य करने के लिए है वह बड़ी संख्या में है वह प्रवास किया। जैसे आधुनिक काल के अंदर भारत से है वह हजारों लोग फारस की खाड़ी के अंदर जो तटीय भाग हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक, इधर है वह खनिज तेल मिलता है, परिणाम तक पैसा होने के कारण इन भागों में रोजगार करने के लिए चले। कुछ है वह शिल्पी कारीगर थे वो है वह श्रीलंका के अंदर या म्यांमार में या फिर है वह थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, इनके अंदर भी काम करने के लिए चले गए। ये सामान्य रोजगार करने के लिए गए, तो ये गए इस वजह से क्योंकि देश में रोजगार का अभाव होने के कारण पड़ोसी देशों के अंदर चले गए। कुछ व्यापारी लोग, बिजनेस व्यापारी लोग है वह गए। प्रवास आज की कंडीशन में भी हो रहा है लेकिन इसका स्वरूप चेंज होता चला गया। वर्तमान में है वह एशिया से है वह प्रतिभाओं का प्रवास हो रहा है, प्रतिभाओं का प्रवास हो रहा है। इन प्रतिभाओं के अंदर जैसे बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, इनका प्रवास हो रहा है, और इनका प्रवास हो रहा है वह विकसित देशों की ओर हो रहा है। यह वेतन में असमानता के कारण, जैसे अमेरिका है तो वहाँ डॉलर में पेमेंट मिलता है, भारत में रुपए में पेमेंट मिलता है, अब रुपए और डॉलर में है वह लगभग 70-80 रुपए का अंतर है,
परिणामतः है यहाँ के डॉक्टर है वह अमेरिका में नौकरी करने के ज़्यादा इच्छुक होते हैं, क्योंकि उसमें है वह आय अधिक होती है, और इसी वजह से है वह काफ़ी सो रहे लोगों का है वह प्रवास हो रहा, इनके अंदर प्रतिभाओं का प्रवास हो रहा है। बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, सलाहकार, ये है वह गति कर रहे हैं जिनके अंदर विदेशों के अंदर जा रहे हैं। आजकल बड़े व्यवसायी वो भी है वह दूसरी जगह है वह जाकर के बस गए, जैसे स्टील किंग ऑफ द वर्ल्ड लक्ष्मी निवास मित्तल है, वह विश्व में सबसे बड़े लोहे के व्यापारी हैं। अब ये लोहे के व्यापारी अपने यहाँ पर चूरू के अंदर राजगढ़ के निवासी थे, जो स्थायी रूप से जाकर के और ब्रिटेन के अंदर लंदन में जाकर के वो रहने लग गए। तो इस तरह से इन्होंने है वह प्रवास किया। बड़े व्यवसायी लोग हैं या फिर डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने है वह प्रवास कर रहे हैं, ये है वह प्रवास कर रहे हैं। वेतन विषमता, आय में असमानता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। प्रवास का जो स्वरूप देखने को मिलता है वह मुख्य रूप से दो भाग रूपों के अंदर देखने को मिलता है। एक स्थानीय प्रवास और एक होता है वह प्रादेशिक प्रवास। प्रादेशिक प्रवास, प्रादेशिक प्रवास का मतलब होता है एक प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में आदमी रहने लग जाता है। जैसे मान लो थार के रेगिस्तान का कोई आदमी गंगा के मैदान में जाकर के रहने लग जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार में जाकर के रहने लग जाए, तो ये प्रादेशिक प्रवास कहलाएगा। स्थानीय प्रवास, एक स्थान पर ही प्रवास होता है, ज़्यादा दूरी तक नहीं, लगभग मुश्किल से है वह 150 किलोमीटर की दूरी तक जो प्रवास होता है वह स्थानीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। प्रादेशिक प्रवास के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है जब 1917 के अंदर रूस की क्रांति हुई। तो रूस की क्रांति हुई तो रूस की क्रांति के कारण मास्को और इसके आसपास के लोग हैं, आसपास के अंदर जैसे टूला है या फिर ओमस्क है, कुर्स्क है, ऐसे महानगरों से बड़ी संख्या में लोग हैं वह छोड़ करके साइबेरिया के मैदान में जाकर के बस गए। इस साइबेरिया के मैदान में बसा हुआ, साइबेरिया के मैदान में गेहूं की कृषि करने लगे, जंगलों के अंदर से है वह कंदमूल फल एकत्रित करने लगे, या फिर है वह कच्चा रॉ मटेरियल में खनिज तेल है या खनिज संसाधन निकालने लगे। तो ऐसे इन लोगों ने है वह प्रवास किया। तो यह है वह प्रवास कहलाता है प्रादेशिक प्रवास कहलाता है। प्रादेशिक प्रवास का एक दूसरा उदाहरण और मिलता है, यहाँ पर यूरोपीय कंट्री जाकर के बसे तो इस किनारे पर जाकर के बसे, क्यों? क्योंकि यहाँ से है वह जल परिवहन के द्वारा अपने देश में वापस जा सकते थे, तो ये किनारा सबसे ज़्यादा आबाद हुआ। फिर जैसे जैसे रेल परिवहन के साधनों का विकास हुआ, इन लोगों ने यहाँ से है वह पश्चिम की ओर प्रवास किया, यहाँ पर जो प्रेरीज घास के मैदान हैं इनकी ओर प्रवास कर दिया। महान झील प्रदेश हैं यहाँ पर, 5 महान झीलें, ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, ये 5 महान झीलें पाई जाती हैं। तो इन भागों के अंदर भी इन लोगों ने है प्रवास किया। यह भी प्रादेशिक प्रवास का बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। स्थानीय प्रवास हर देश में मिलता है, हर देश में मिलता है। स्थानीय प्रवास का मतलब है कि एक ही जगह से है वह दूसरी जगह के लोग है वह जा कर के रहने लग जाते हैं, स्थानीय प्रवास कहलाता है। जैसे अपने देश में है, भारत के अंदर है, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर घनी जनसंख्या रहती है, ये लोग है वह रोजगार करने के लिए है वह मुंबई में जा कर के बस गए। मुंबई है वह बड़ा इनका आव्रजन का केंद्र हो गया, आज भारत है भारत में सबसे बड़ा महानगर बन गया, ये इन प्रवासियों के कारण ही बना है। जो मजदूरी आसानी से मिलने के कारण लाखों लोग जा करके है वह मुंबई के अंदर जा करके बस गए, परिणामतः वहाँ जनसंख्या के अंदर भारी बढ़ोतरी हुई। तो यह प्रवास है वह स्थानीय प्रवास देखने को मिलता है, स्थानीय प्रवास मिलता है। बात करें प्रवास के परिणाम, प्रवास के परिणाम, परिणाम परिणामों के अंदर बड़े रूप में है वह इनके परिणाम देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है,
जनसंख्या पर प्रभाव मिलता है। प्रभाव जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए कई स्थान है, यहाँ का आदमी है वह कई स्थान पर जाकर के रहने लग गया, कई स्थान पर जाकर के रहने लग गया। अब स्पष्ट है कई स्थान की जनसंख्या घट जाएगी और कई स्थान की जनसंख्या बढ़ जाएगी। विश्व में ज़्यादातर प्रवास पुरुष लोग करते हैं और पुरुष लोग करते हैं तो यहाँ पर पुरुष जनसंख्या कम होगी, यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक होगी। पुरुषों की संख्या अधिक होगी तो यहाँ पर है वह महिला जनसंख्या कम हो जाएगी, यहाँ पर पुरुष कम हो जाएंगे तो महिला जनसंख्या बढ़ जाएगी। परिणामतः इसके रूप देखने को मिलते हैं और इसका उदाहरण भी देखने को मिलता है। यहाँ पर यूरोप में लेटविया है, लेटविया देश, यहाँ पर 1187 महिलाएँ प्रति हजार पुरुष पाई जाती हैं, 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से पुरुष लोग छोड़ करके चले गए, रोजगार के कारण पुरुष लोग है वह छोड़ करके चले गए, महिलाओं की संख्या है वह बढ़ गई। दूसरा रूप देखें तो ये खाड़ी देश हैं, यहाँ पर एक देश है छोटा सा देश जिसका नाम है UAE, यहाँ पर प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 368 ही पाई जाती है, 368 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पाई जाती है। कारण क्योंकि यहाँ पुरुष लोग खनिज तेल मिलता है, इस वजह से पुरुष लोग ज़्यादा करके बस गई, महिलाओं की संख्या कम हो गई। परिणामतः ऐसी स्वरूप है वह जनसंख्या पर इसका प्रभाव प्रवास के ऊपर देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर है वह जनसंख्या के द्वारा जो संरचना है, जनसंख्या संरचना है, जन्म दर मृत्यु दर भी है वह घट बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है वह युवा लोग है वह चले जाते हैं, जन्म दर कम हो जाएगी, यहाँ पर है वह युवा लोग ज़्यादा आते हैं, जन्म दर है वह बढ़ जाएगी। तो ऐसा स्वरूप भी यहाँ पर है वह देखने को मिलता है। दूसरा रूप उत्पादन, उत्पादन पर प्रभाव, उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ से युवा जनसंख्या जाकर के बढ़ जाती है तो यहाँ का उत्पादन घटेगा और यहाँ का उत्पादन बढ़ जाएगा। ये लोग यहाँ से इस जगह पर जाते हैं तो कई स्थान पर कई स्थान की तकनीकी भी लेकर के आते हैं और तकनीकी लेकर के आते हैं तो कई स्थान पर पहले तकनीकी थी, दूसरे स्थान से और आ जाती है, डबल प्रभाव पड़ता है। परिणामतः ये एरिया जल्दी विकसित हो जाता है, जल्दी विकसित हो। यूरोप के लोग, यूरोप से लोग है वह उत्तरी अमेरिका में गई। अब उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर युवा लोग ही गए, अब युवा लोग गए तो अमेरिका के अंदर हर जगह नगरों को सिस्टमेटिक रूप से है वह बसाया गया। सिस्टमेटिक रूप से कैसे? हर नगर किसी न किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, जैसे शिकागो है मांस मंडी के लिए जाना जाता है, पिट्सबर्ग है वह लोहे का उद्योग के लिए जाना जाता है। मेरा ये कहना है कि इन्होंने व्यवस्थित, युवा लोगों ने व्यवस्थित रूप से अमेरिका को बसाया, अमेरिका तुरंत ही है वह महाशक्ति बन गया। तो ऐसे वो तकनीकी ले जाते हैं, तकनीकी डेवलपमेंट भी इससे होता है, उत्पादन में है वह वृद्धि होती है, वह देश विकसित रूप में है वह बढ़ जाता है। लेकिन दूसरे रूप में ये लोग है यहाँ पर प्रवास करने वाले लोग अपने देश में आमदनी भी भेजते हैं, पैसा भेजते हैं और उस पैसे के कारण है वहाँ का है वह डेवलपमेंट होता है। जैसे भारत के लोग खाड़ी देशों में चले गए, अब खाड़ी देशों से जो पैसे कमा करके और अपने परिवार को भेजते हैं तो यहाँ पर कृषि के अंदर डेवलपमेंट हुआ, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर है वह बढ़ गया। तो ऐसे है वह प्रभाव भी इसके है वह देखने को मिलते हैं। तो ऐसे प्रभावों में उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, देश के विकास के ऊपर, आर्थिक विकास पर है वह गहरा प्रभाव पड़ता है, आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज भारत के अंदर मुंबई है वह एक औद्योगिक नगर के रूप में डेवलपमेंट हुआ, भारत का सबसे बड़ा महानगर बना, सबसे ज़्यादा उद्योग डेवलपमेंट हुए, तो उद्योग भी डेवलपमेंट हुए वो इन प्रवासियों के कारण हुए। जो प्रवासी मजदूर जा कर के रहते हैं उन लोगों ने उद्योगों में काम करना शुरू किया तो वहाँ पर उद्योग धंधे आसानी से है वह बढ़ गए। तो ऐसे है वह प्रवासियों के कारण है वह स्वरूप है वह देखने को मिलता है।
समाज पर प्रभाव पड़ता है। समाज, ये लोग क स्थान से ख स्थान पर गए तो ख स्थान के समाज में भी परिवर्तन आते हैं। दूसरे स्थानों के लोग यहाँ पर आते हैं तो समाज के अंदर परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन आते हैं। जैसे अपने यहाँ पर है, वह भारत के अंदर मुगल लोग आए, मुगल लोग आए इस कारण से भारत में पर्दा प्रथा आई। पर्दा प्रथा है वह डला पुई, क्योंकि वो अत्याचार करते थे इस कारण से पर्दा प्रथा है वह प्रचलित हुई। अपने जो पुरानी हवेलियों की स्थापत्य कला या कलात्मक हस्तकला के रूप थे वह भी उन लोगों के कारण परिवर्तन हुए। अंग्रेज लोग भारत के अंदर आए तो खान पान, रहन सहन, भाषा भी परिवर्तन हो गई। भाषा के अंदर भी इंग्लिश भाषा का है वह प्रयोग करने लगे, किया जाने लगा। ऐसे ही है, वह पुरानी धोती कुर्ता के स्थान पर है वह पैंट शर्ट पहनने लगे। ऐसे ही खान पान के अंदर परिवर्तन आया, ऐसे ही त्योहारों के अंदर परिवर्तन आया। तो बड़े स्तर पर है वह समाज में परिवर्तन आते हैं, समाज में परिवर्तन इससे आते हैं। इससे है वह समाज को लाभ ही नहीं, इससे हानि भी होती है। जो प्रवास से मुख्य हानि होती है वह प्रवास वर्ग संघर्ष को पैदा करता है। प्रवास वर्ग संघर्ष को पैदा करता है, वर्ग संघर्ष को इसलिए पैदा करता है, एक स्थान के लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, अब वो वहाँ पर है वह शोषण करने लगते हैं या हत्याएं लूटपाट होती है उनमें शामिल हो जाते हैं। तो फिर है वह लोगों के अंदर है वह आपसी भावना हो जाती है, तो शोषण के विरुद्ध वहाँ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे ब्रिटेन के लोग यहाँ पर आए, अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोगों ने है वह यहाँ पर व्यापार करके धीरे धीरे है वह पूरे देश पर शासन स्थापित कर लिया, अत्याचार करने लगे, तो भारतीयों के मन में ही उनके प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो गई, और द्वेष भावना उत्पन्न हो गई तो पूरे भारत के लोग एक हुए और उसके बाद में उनको यहाँ से है वह बाहर निकाला। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके अंदर कई है वह नस्लीय स्वरूप देखने को मिलता है, नस्लीय स्वरूप देखने को मिलता है, नस्ल के प्रति है वह लोग भेदभाव करते हैं। अमेरिका में काले और गोरों का है वह भेद होता है, ऑस्ट्रेलिया में काले गोरों का भेद होता है, तो ये भेदभाव का जो पूर्ण है वह स्वरूप है वह भी इसी प्रवास का ही परिणाम है, प्रवास का ही परिणाम है। क्योंकि एक स्थान के लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह हत्याएँ लूटपाट उनमें शामिल होते हैं, तब है वह इस तरह के स्वरूप है वह सामने आते हैं, तो इससे वर्ग संघर्ष के रूप ही है वह देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ये प्रवास के है वह स्वरूप है वह पाया जाता है। एक बार मैं दोबारा से रिव्यू कर रहा हूँ, जनसंख्या प्रवास, प्रवास का मतलब मानव के मूल निवास स्थान में परिवर्तन होना। उसके निवास स्थान में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो फिर उसको प्रवास नहीं करेंगे, वो केवल जाना और आना, केवल वो वही सिस्टम है, वो प्रवास का रूप नहीं कहलाएगा। प्रवास तो तभी कंप्लीट होगा जब मानव के मूल निवास स्थान में यानी कि रहने का स्थान परिवर्तन हो जाए, उसको है वह हम प्रवास करेंगे, माइग्रेशन भी कहते हैं इसे, स्थानांतरण भी कहते हैं। ऐसे स्वरूप है वह रूप है प्रवास। दो प्रकार का होता है, एक आप्रवास और एक उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब किसी स्थान पर जगह को छोड़ना, यह उत्प्रवास कहलाता है। आप्रवास दूसरे स्थान से आकर के रहना, यह आप्रवास कहलाता है। इसके अलावा है वह विश्व में हम कारण पक्षों पर ध्यान देते हैं, इसमें देश पक्ष, एक देश से दूसरे देश के अंदर लोग जाते हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लोग जाते हैं, उसको है वह देश पक्ष के आधार पर उसको समझते हैं, समय पक्ष के आधार पर समझते हैं, कारण पक्ष के आधार पर समझते हैं कि किस कारण से प्रवास किया। ऐसे ही है वह स्थान पक्ष के आधार पर है वह उसको देखते हैं, और इसके अलावा है वह स्थिरता पक्ष के आधार पर भी है वह उसका अध्ययन करते हैं। इन पक्षों के आधार पर है वह प्रवास का अध्ययन करते हैं। प्रवास का स्वरूप मुख्यतः जो वर्तमान दिशाएँ हैं वह सबसे ज़्यादा प्रवास यूरोपीय कंट्रीज से हुआ, यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास हुआ। शीतोष्ण कटिबंधीय से जो प्रवास हुआ उसको दो भागों में बांटते हैं, एक घास प्रदेशों में प्रवास किया, दूसरा उष्ण प्रदेशों में प्रवास किया। घास प्रदेशों में संसार के अंदर प्रेरीज,
पंपाज, वेल्स, डाउन्स, ये है वह घास प्रदेश रहे हैं। इन घास प्रदेशों में यूरोप के लोग जा जा करके बस गए, मॉडर्न मशीनीकृत कृषि है वह करने लगे, तो ऐसे है वह कृषि का है वह डेवलपमेंट करने लगे। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रवास यूरोप से है वह मध्य अमेरिका और उष्ण प्रदेशों के अंदर प्रवास हुआ। इस प्रवास से बागाती कृषि डेवलपमेंट हुई, बागाती कृषि डेवलपमेंट हुई, और इसमें भी बड़ा जो निकृष्ट रूप है वह दास व्यापार है। ये लोग है वह दास बना करके और बाद में है वह बागानों के अंदर काम करवाने के लिए ले जाते थे। एशियाई भागों से जो प्रवास हुआ, ये प्रागैतिहासिक काल में हुआ, जिसके अंदर ये स्वैच्छिक प्रवास था। मध्य एशिया के अंदर मानव का जन्म हुआ तो चारों तरफ है वह प्रवास हुआ। ऐसे ही सम्राट अशोक के समय लोग है वह धर्म का उपदेश देने के लिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वह आसपास के पड़ोसी देशों के अंदर है वह गए, भारत और भारत के पड़ोसी देशों की ओर है वह धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए। आधुनिक समय के अंदर है वह प्रवास हो रहा है, आधुनिक समय का रूप है वह ये मिलता है कि जब देश आज़ाद हुआ तब है वह लोग काम करने के लिए अड़ोस पड़ोस के देशों के अंदर, जैसे कारीगर व्यापारी ये है वह गए। और इसके बाद में है वह वर्तमान में जो प्रवास हो रहा है वह बड़े डॉक्टर इंजीनियर इनका प्रवास हो रहा है, प्रतिभाओं का प्रवास, ये आय में असमानता के कारण हो रहा है। प्रवास के दो रूप सामने आते हैं, प्रादेशिक प्रवास, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवास, यानी कि रूस के लोग क्रांति के बाद में साइबेरिया के मैदानों में जाकर के बस गई, अमेरिका में इस किनारे से है वह प्रेरीज घास के मैदानों में जाकर के बस गई। स्थानीय प्रवास, गांव के लोग रोजगार के लिए शहर में जाकर के बस जाते हैं। और इसके अलावा प्रवास के ऊपर परिणाम, जनसंख्या पर प्रवास पड़ता है, जिस स्थान से लोग प्रवास करते हैं वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है, जिस स्थान पर रह वे जाते हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है, यहाँ का लिंगानुपात अधिक हो जाता है, यहाँ का लिंगानुपात कम हो जाता है। उत्पादन, यहाँ का उत्पादन घटेगा, यहाँ का उत्पादन है वह बढ़ेगा। ऐसे ही है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास यहाँ का कम होगा, यहाँ का अधिक होगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ मात्रा में आर्थिक विकास होता है, क्योंकि ये जो जाने वाले प्रवासी हैं वह अपनी आय भेजते हैं वापस, इस कारण से इनका भी आर्थिक विकास होता है, लेकिन इस स्थान के अनुपात में कम होता है। सामाजिक परिवर्तन आते हैं, समाज के रहन सहन, भाषा, वेशभूषा, बोली, सभी है वह परिवर्तन हो जाते हैं, रीति रिवाज इनके अंदर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रवास से वर्ग संघर्ष उत्पन्न होते हैं, प्रवासी लोग आते हैं लेकिन ज़्यादातर ये लोग है वह शोषण करने के इरादे से आते हैं, तो इस वजह से है वह लोगों के अंदर आपस में भेदभाव और द्वेषता फैल जाती है, उसके कारण वर्ग संघर्ष, जातीयता या सांप्रदायिकता के अंदर बढ़ोतरी होती है। इसी के साथ में प्रवास का यह टॉपिक है वह कंप्लीट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ, कितना हो गया, आगे का काट देना यार।